इस बार का बजट 2024 के आम चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में इस बजट से मध्यम वर्ग की टैक्स छूट की आस बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए निवेश के अलग अलग विकल्पों में भी छूट सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान किए जाने की उम्मीद देश का नागरिक लगाए बैठा है। इस बार का बजट कुछ खास होने जा रहा है क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में हर वर्ग की तरह मध्यम वर्ग को भी इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री भी संकेत दे चुकी हैं कि मध्यम वर्ग पर बजट में किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। इस समय पे हमारा जो बजट आ रहा है उससे सबकी बहुत उम्मीदें हैं, स्पेशली हमारे हिसाब से मिडिल क्लास और स्टार्टअप की बहुत ज्यादा होप्स हैं, बिकॉज मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बहुत टाइम से टैक्स दे रहे हैं और कंट्री में जो इनकम टैक्स का डेटा है अगर आप उसमें देखें तो आधे लोग मिडिल क्लास वाले सैलरी क्लास वाले ही टैक्स भरते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को टैक्स बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन मध्यम वर्ग बोझ बढ़ने की दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा, वो तो इस बार टैक्स के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। दरअसल सरकार की तरफ से आखिरी बार 2014 में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2023-24 के लिए सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती है। अनुमान है कि आयकर छूट की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर आखिरी फैसला पीएमओ को करना होगा। कारोबार जगत का भी मानना है कि मध्यम वर्ग को टैक्स के लिए राहत दिए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। इस साल बजट के लिए सरकार से गुजारिश है कि जो शादियों के सामान में 18% जीएसटी लगता है उसको कम करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो शादियों में ज्वेलरी कपड़े सामान खरीदते हैं और मैरिज हॉल बुक करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टैक्स लगता है और विशेष तौर से शादियों के अंदर ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा यूज होता है, इससे सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता और हम टैक्स देने से बचते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार मेरी बात माने, अगर जीएसटी को 2-5% कम कर दे तो हर व्यक्ति टैक्स पे कर सके, सरकार को भी बेनिफिट हो, रेवेन्यू बढ़े। 90% लोग कैश में काम करते हैं तो सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता, अगर सरकार टैक्स में छूट दे तो टैक्स चोरी रुकेगी और सरकार को फायदा होगा। हालांकि ये छूट अगर नई टैक्स रेजिम में की जाती है तो फिर ज्यादातर टैक्स पेयर्स को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही एक डिमांड ये भी है कि एटीसी के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए किया जाए। इसके अलावा अधिकतम टैक्स स्लैब जो सरचार्ज और सेस वगैरह मिलाकर 42.74% बैठता है उसे भी घटाने की मांग की जा रही है। जानकारों का भी मानना है कि सरकार को टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की जरूरत है। अब देखना यही है कि क्या बजट में वित्त मंत्री वाकई मध्यम वर्ग को किसी तरह की राहत का ऐलान करती हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।